नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आज आपका नोटिस आ चुका है पीजी में रोहतक की स्ट्रे वैकेंसी जो राउंड काउंसलिंग है नर्सिंग फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, तो उनके लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन कंडक्ट होगी। कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, 24 से 26 अक्टूबर के बीच आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग करनी है। फिर आपका 27 अक्टूबर को एलोकेशन ऑफ सीट आएगा, फिर जो आपका फाइनल एलोकेशन ऑफ आफ्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल आपका 27 अक्टूबर को ही आएगा। फिर आपकी जो फीस जमा होगी वो 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच होगी, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है वो आपका बाद में अपलोड होगा, ठीक है। तो ये आपका इसमें शेड्यूल है। तो इसमें साथ साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, इस नोटिस के अकॉर्डिंग इट इज़ द इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट जो भी एडमिशन लेने के इच्छुक हैं। तो इस बार आपके कल से जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन होगा। जिन बच्चों ने सीटी नहीं दे रखा उनको भी मौका होगा रजिस्ट्रेशन करने का, और जो बाकी बची वैकेंट सीट्स हैं उन पे एडमिशन लेने का। सीटी 2023 की मेरिट खत्म होने के बाद भी अगर सीटें वैकेंट रहेगी तो नए जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे, चाहे उनको यूजी कोर्सेज या पीजी कोर्सेज में लेना है नर्सिंग फिजियोथेरेपी पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज में, तो वो एडमिशन ले पाएंगे। तो कल से 26 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करेंगे इसमें। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो हम आपको बता देते हैं कि जिन बच्चों ने राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने अपनी सीट ज्वाइन कर ली है तो वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जिन बच्चों ने 1 सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया और रजिस्ट्रेशन किया पहले, उन्हें दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है अगर वो इसमें एडमिशन प्रोसेस में लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और जो भी चॉइस फिल की गई थी राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड में, वो भी आपके ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, और कैंडिडेट को दोबारा से अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो करनी। बाकी कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट आएगा तो हम आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे। तो स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन कंडक्ट होगी और इसका शेड्यूल आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये आपका इसका शेड्यूल रहेगा, कल से 26 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आपकी वेबसाइट पे, और 27 अक्टूबर को इसका सीट एलोकेशन आ जाएगा। बाकी जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आपका कितनी सीटें वैकेंट है वो भी आपका जल्दी जारी होगा। तो यही सब जानकारी थी आपके लिए इस वीडियो में। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियां सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। और आपके कोई भी कॉमेंट्स हों, आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। जय हिंद।